हैचबैक लेनी है और उसके बाद भी आप सोचते हो कि कौन सी गाड़ी लें, तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो AMT वेरिएंट है वो बहुत प्यारा है। इसका मैं ड्राइव रिव्यू लेके आया हूँ और आपको ये ड्राइव रिव्यू फुल थ्रॉटल में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा नाम है जगजीत सिंह और आप देख रहे हैं विल ड्रिफ्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट किया, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी क्योंकि इसका होंडई का जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइनमेंट में सबसे अच्छे जाना जाता है। कोई भी गाड़ी उठा लो होंडई की, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिफाइनमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको AMT मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कम पैसों में बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो AC ऑन करते हैं, AC ऑन करके चलवाते हैं और देखते हैं कि कितना इसका इनिशियली जो इसका टॉर्क है वो देखते हैं। पहले रोड पे आ जाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं, ये रोड पे अपेयर कर गए। अब चलते हैं हम लोग स्टेट रोड में और इनिशियली देखते हैं कितना इसका पावर है। तो ये मैं 2000-3000 के आसपास में दूसरा गियर लगा, 2000 मतलब बहुत अच्छा ये मैनेज कर रही है, बहुत अच्छा ये गियर शिफ्टिंग जो है इसका काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस है। अगर मैं देखूं इसके कंपैरिजन में, अगर AMT वेरिएंट जो है टाटा की गाड़ियों में भी आता है, नेक्सॉन में देखने को मिलता था, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, बट वैसा बिहेव नहीं करती है। ये आपको ज़्यादा नौची नहीं दिखती है, ज़्यादा आपको लैग फील नहीं करता है और झटके जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये सबसे अच्छा यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है। AMT गाड़ी भी चलाई है टाटा की, तो वहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा लैग फील किया उसे, बहुत रिस्पांस काफ़ी देर से उसका होता है और झटके बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, उसके AMT के हिसाब से तो इससे अच्छा मैनुअल ले लो, क्योंकि AMT से कई ज़्यादा अच्छा मैनुअल होता है। बट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट अलग चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रांसमिशन दिया है, AMT के साथ साथ में ट्यूनिंग जो दी है बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं अभी 50 के आसपास में चल रहा हूँ, 2000 RPM में हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा पावर भी मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पावर बहुत ही बढ़िया है यार, फ्लॉलेस ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा है, यानी कि इस पर आपको आप सिटी राइड्स आराम कर सकते हो, छोटे मोटे जो हैं आप यहाँ से 100-200 किलोमीटर अगर आप जा रहे हो तो वो चला सकते हो, 70-80 के आसपास में आप क्रूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो अच्छी ब्रेकिंग है, मतलब मैं 60-70 के आसपास में चल रहा हूँ, ब्रेकिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं विथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। डैशबोर्ड की लुक जो है काफ़ी अच्छी है, जैसे कि डैशबोर्ड की लुक है वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे 8 इंच का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पे आपको नियोस का लुक देखने को मिलता है। हाँ भाई, नियोस का यहाँ पे डैशबोर्ड आपको सिंपली वैसे ही देखने को मिलेगा, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है आपको यहाँ का व्यू हल्का सा अप कर दिया गया है इसका व्यू, जो देखने को भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा वाइडर किया गया है, वो बहुत अच्छा है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डैश कैम मिलता है विथ डुअल कैमरा, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो बहुत सी गाड़ियों में मिसिंग रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फुलफिल की कराई गई है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 11,50,000 के आसपास में जो आपको यहाँ पे मिल जाती है टॉप एंड मॉडल के आसपास में, ये बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे डील होने वाली है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको गाड़ी मिलने वाली है ये, अगर ऑफिस की बात करें। और अगर ऑफ रोडिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है ये गाड़ी, और गड्ढों वगैरह में बहुत अच्छे टैकल कर लेती है। पावर भी बहुत अच्छा है इसका, जैसे मैं अभी 60 की स्पीड में चला रहा हूँ और ये फुल थ्रॉटल किया है मैंने, 80 पावर, बहुत अच्छा पावर है। जब मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4, 4 से 5 की स्पीड में, 5 गियर में जब स्विच करती है और जब 80 की स्पीड में आती है, तो पावर जो है काफ़ी अच्छा हद तक निकलता है इसका,
और मैक्सिमम पावर में आ जाती है वो। और इसका जो, जैसे कि मैं ये बोलूं कि अगर आप हाई आरपीएम में इसको रेव करते हो स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा आपको लैग फील करेगा कि एम्प्टी वेरिएंट है, यानी कि एम्प्टी ट्रांसमिशन है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत तो करेगी, क्योंकि देखिए आप डीसीटी से आपको ये चीपर में मिल रही है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा जो जो आपको टाटा की ट्रांसमिशंस में मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग ये गाड़ी किन किन को लेनी चाहिए। देखे तो आप एसयूवी वाले तो ना देखें, क्योंकि एसयूवी स्टाइलिस्ट वगैरह नहीं है कुछ भी, इसमें कोई एसयूवी फीलिंग नहीं है। हैचबैक की बात करें तो हैचबैक से एक ऊपर है, तो आपको वो आप वहाँ से स्विच कर सकते हो यहाँ पे, और हैचबैक वाला भी फील नहीं मिलेगा आपको। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, यहाँ एकदम कॉन्सेप्ट चेंज है। आपको हैचबैक से एक ऊपर और एसयूवी से एक नीचे आपको ये फील करवाएगी। इसका जो विंड व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। फ्रंट जो आपको यहाँ पे मिलता है व्यू, वो बहुत अच्छा है, बहुत वाइडर दिया गया है, और मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी। एज सिटी में अगर आप देखा जाए तो आप बड़े बड़े लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, वो उसके लिए मुझे लगता ही नहीं है ये। बूट में अगर आप लोड दे दो और उसके बाद तीन बंदे जो हैं वो बैठ जाएं इसके पीछे में, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैवल सस्पेंशन बहुत कम मिलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये चीज़ें आपको जो दूसरी मतलब गाड़ियों में आपको नहीं देखने को मिलती है। जैसे पंच की बात करें तो वहाँ पे ट्रैवल सस्पेंशन काफ़ी अच्छा मिलता है, वो काफ़ी स्टिफ भी है और उससे वो काफ़ी सॉफ्टर है ये इसका सस्पेंशन। और मुझे अगर सस्पेंशन की बात करें तो मुझे पंच काफ़ी अच्छी लगती है इससे। और अगर आप एक तरह के सिटी राइड लेकर लेना चाहते हो, ए टू बी जाना चाहते हो, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। आप आराम से ले सकते हो, माइलेज भी बहुत अच्छे देगी। एएमटी वेरिएंट है तो आपको बहुत अच्छा ऑटोमेटिक जो है आपको वेरिएंट मिलने वाला है। आपको एएमटी ऑप्शन भी मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा है कि आपको बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप ऑटोमेटिक की जो मजे हैं वो ले सकते हैं। ऑल ओवर ये ड्राइव रिव्यू हमारा यही था। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।